अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। आज बहुत ही कंफर्टेबली डीसी ने अपना मैच जीत लिया। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लखनऊ ही जीतेगी आज, पर डीसी ने आज कमबैक किया और अपना बहुत ही कंफर्टेबली वो जीत गए। सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है कुलदीप यादव को, जो उन्होंने स्पेल कराया, जो उन्होंने बोल्ड मारा था पुरान का, वो तो कमाल का बोल्ड था। LSG की बैटिंग चली नहीं ऊपर से, वो तो आयुष बदोनी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 160+ तक पहुँचा दिया पार्टनरशिप लगा कर, वरना तो आज वो बहुत जल्दी ऑल आउट होने वाले थे। डीसी की बैटिंग शुरू होती है तो पृथ्वी शॉ बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं, डेविड मॉर्नर अनलकी रहते हैं, इस तरह से वो आउट होते हैं। मगर उसके बाद जो मगरकर ने मारा है, मुझे नाम भी प्रनाउंस नहीं हो रहा है, जैक मगरकर नाम है जैसे, ऋषभ पंत के साथ पार्टनरशिप लगाई है इस बंदे ने, ऑस्ट्रेलिया का है, यंग टैलेंट, हाई बैट लेफ्ट हैंड, इसकी बेसबॉल जैसे खेल रहा हो, होम रन मार रहा था, छक्के नहीं मार रहा था, होम रन मार रहा था, क्या मारा है इस बंदे ने। फ्रेजर मगरकर ने बहुत मारा है, बुरा हाल कर दिया, कुणाल पांड्या का सबसे बुरा हाल किया इस आदमी ने। यह अगर सीजन बहुत जाएगा ड्राफ्ट में, बहुत बिकने वाला है ये बंदा। कंफर्टेबली जीत गया आखिर में। बिश्नोई की बॉलिंग बहुत अच्छी रही, 160+ रन डिफेंड इस बार नहीं कर पाए, 13 बार डिफेंड कर चुकी है लखनऊ, मगर इस बार नहीं डिफेंड कर पाई। डीसी इसके साथ ऊपर चला गया और एंड पे कौन है, RCB। वैसे एंड पे उनका ही बनता था, DC एंड पे था, मुझे पता भी नहीं था, मुझे लगा RCB एंड पे है, पर RCB का ही बनता था कि वही एंड पे जाए, DC ऊपर गया है इनके साथ, वो खुश भी होंगे, पर बहुत पीछे वो रह गए हैं। अब बहुत रन रेट उनको और बेहतर करना चाहिए था, थोड़ा और पहले ख़त्म हो सकता था मैच, बस एक ओवर और पहले करना चाहिए था ख़त्म। मगर फिर भी जैसा उनका हाल चल रहा है डीसी का, आज बहुत ही कंफर्टेबली जीत गए वो। ऋषभ पंत बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, नए उनके शॉट जो मारा करते थे वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि पुराने शॉट्स थे, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। पर ये लड़के जैक मगरकर ने बड़ा मारा है, ये तो आगे चल के ऑस्ट्रेलिया लेगा, पूरी टीम में आपको ज़रूर नज़र आएगा आगे चल के। टिम डेविड इनका एक बड़ा धोने वाला बैट्समैन है, पावर हिटर है, और ये वाला लड़का, ये तो अभी यंग है, पर आगे चलकर ये ज़रूर नज़र आएगा ऑस्ट्रेलिया की टीम में। बेसबॉल ही खेला है इस आदमी ने आज पूरी तरह। कुलदीप यादव जैसा बॉलर हो तो फिर तो ख़त्म ही हो जाती है बात बॉलिंग में। ऐसा इंडिया के पास ऐसा स्पिनर है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, ये बहुत कम नज़र आते हैं दुनिया में, और ये जितने भी हैं इनको पिक करना इतना आसान नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बैटिंग विकेट थी, ग्रास इन्होंने छोड़ी हुई थी ताकि फास्ट बॉलर्स का कुछ मदद मिले, स्पिनर्स के लिए इस पिच में कुछ भी नहीं था। फिर कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग, और बिश्नोई ने भी, इन दोनों को तो इंडिया की टीम में पक्का पक्का नज़र आ रहा है T20 वर्ल्ड कप के लिए, ये दोनों कन्फर्म होंगे। ऋषभ पंत वापसी जरूर करेंगे, पर अभी टीम बनाना बड़ा मुश्किल काम है, कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं अब तो, क्योंकि रियान पराग हो गया, संजू सैमसन ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कीपर के लिए बड़ा होने वाला है मसला। KR राहुल आज फाइनली इंटेंट के साथ खेले हैं, ये मैं बताना शुरू में भूल गया कि इंटेंट के साथ फाइनली खेल गए वो, वरना वो स्लो खेलते रहते हैं, एंड तक जगह एंड तक मैं खेलूँगा, इस तरह नहीं होना चाहिए, आप ओपनर आए हो चला के खेलो ऊपर से। आज KR राहुल बहुत अच्छा खेले थे, और अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम नहीं जीत सकी आज। कल राजस्थान और पंजाब का मैच है, देखते क्या वो दो लड़के आशुतोष और शशांक क्या फिर से कुछ करते हैं या नहीं, या ऊपर से कुछ कर पाता है पंजाब या नहीं, मुझे तो उन दोनों लड़कों से ही है शायद फिर से कुछ देखने को ना मिल जाए कल। और से राजस्थान की टीम तो आपको पता ही है कितनी अच्छी है, देखते हैं कल क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।